basically Fasih perfume जो है Middle East का brand है और काफी time से हम लोग plan कर रहे थे India में launch का. काफी preparation के बाद हम लोगों ने Indian market में अपने आप को launch किया है. Middle East में almost 17 locations पे Fasih perfume already अपने outlets के साथ है. और बेसिकली हम लोग फ्रेंच एंड अरेबियन कॉम्बिनेशन के साथ सारा फ्रेग्रेंस का जो भी ट्विस्ट होता है वो हम लोग प्ले करते हैं उसमें. इंडियन मार्केट में जो भी चीज़ें अभी लैक कर रही है, काफ़ी रिसर्च के बाद हम लोगों ने इंडियन मार्केट में जो भी कमी है, चाहे वो फ्रेग्रेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो, काफ़ी रिसर्च के बाद हम लोगों ने ऑलमोस्ट हम लोगों को टू एंड हाफ ईयर के बाद हम लोगों ने इंडिया में लॉन्च किया रिसर्च के बाद. तो जो भी कमी हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि इंडिया में जो भी ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं हम लोग उसमें वो चीज़ें कंप्लीट मार्केट में हम लोग अच्छे प्राइस में उसको अवेलेबल कर सकते हैं. हम लोग Fasih परफ्यूम जो है ऊद वेरिएंट के लिए हम लोग मिडिल ईस्ट में काफ़ी पॉपुलर हैं. हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि वी आर स्पेशलाइज्ड इन ऊद. ऊद के जो फ्रेग्रेंसेज होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, उनको भी हम लोगों ने इंडियन मार्केट में काफ़ी लो बजट में हम लोगों ने अभी लॉन्च करने वाले हैं. कुछ एक्सक्लूसिव आइटम्स अभी कमिंग मंथ में भी लॉन्च होने वाले हैं. और इंडिया में जब हम लोगों ने लॉन्च करने का प्लान बनाया तो काफ़ी रिसर्च के बाद, क्योंकि स्नेहा जी का जैसे आपको पता है कि मिडिल ईस्ट से, इनका बॉर्न एंड ब्रॉटअप मिडिल ईस्ट से ही है, काफ़ी वेल नोन फेस है वहाँ पे स्नेहा जी, काफ़ी फैंस हैं इनके वहाँ पे, काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं इनके काम को. और जिस तरह का ब्रांड हम लोगों का है, जिस तरह का आइडेंटिटी हम लोगों को अपने ब्रांड के लिए चाहिए था, जिस तरह का एग्जैक्टली सेम इनके आइडेंटिटी से वो मैच करता था, इसीलिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के लिए हम लोगों ने स्नेहा जी को प्रेफर किया. और डेफिनेटली वहाँ पे तो काफ़ी लोग इनको जानते ही हैं. इंडियन मार्केट में भी जिस तरह की आइडेंटिटी इनकी है वो आइडेंटिटी एग्जैक्टली मैच करता था कि हम लोग किस तरह के अपने लग्जरी ब्रांड में चाहते हैं. तो इसी वजह से काफ़ी रिसर्च के बाद हम लोगों ने जो भी हम लोग सब एक साथ हुए हैं यहाँ पे, बस अपने ब्रांड को बताने के लिए कि बाकी ब्रांड के साथ और हमारे ब्रांड में क्या डिफरेंस है. इंडियन मार्केट में ऊद लैक करता है. ऊद फ्रेग्रेंस आपको बहुत कम देखने को मिलेगा. बहुत वेल नोन ब्रांड होता है ऊद का, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है. ये हम लोगों ने लो प्राइस में हम लोगों ने लॉन्च किया यहाँ पे. मिस्टर इमरान ऑलमोस्ट टू एंड हाफ ईयर से इंडियन मार्केट पे ऑपरेशन मैनेजर है. मिस्टर इमरान टू एंड हाफ ईयर से ये इंडियन मार्केट पे वर्क कर रहे थे कि हम लोग लो प्रोफाइल जो यहाँ पे परफ्यूम्स हैं लोग यूज़ करते हैं लेकिन अप्रिशिएट नहीं करते हैं, यूज़ कर लेते हैं. हम लोगों ने लो बजट में हाई प्रोफाइल परफ्यूम्स को अभी लॉन्च किया है. अभी कमिंग मंथ में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च होने वाले हैं. और अभी जब आप लोग डेफिनेटली जब ब्रांड्स को लोग यूज़ करना शुरू करेंगे तो उनको पता चलेगा कि लो प्रोफाइल परफ्यूम्स और हमारे परफ्यूम्स में भी क्या डिफरेंसेस हैं. स्नेहा जी अब अपने कुछ बताएं अपने बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि काफ़ी वक्त से हम लोगों का इंटरेक्शन चल रहा था प्रोडक्ट से रिलेटेड, काफ़ी इन्होंने यूज़ किया तो इनका भी एक्सपीरियंस इस बारे में क्या है जानना ज़रूरी है. Hi everyone, thank you so much for coming. So today we are launching Fasih Perfumes Middle East in India and I'm really excited that I've been considered and signed as the brand face of this amazing brand. I'm really very motivated because it's my first, I'm actually the first time of being the brand ambassador of a brand, and 2019 has been really lucky for me to begin with. To speak a little bit about my experience with perfumes, it's been very interesting to see how a perfume is created, and it's really delicate. It's an intricate procedure, very intelligent,
And just because of Fasih perfumes, I have been kind of exposed to that theory of making perfumes, and it's really, really interesting. As a brand face, I don't just want to be another pretty face attached to a brand. I'm sure that's one of the reasons why they have even approached me, because they wanted green eyes and fair skin and all of those kind of qualities to represent the brand. But as the brand face, I am really working hard to develop and promote this brand in India. And not just with Bollywood, generally as a brand in India, the perfume, the quality that we are aiming this year is to basically attract masses. As you know, there are a lot of average perfume brands out there that they exist, but they don't really smell great, they don't last long, and they are not made with care. They might affect your skin, you might have an allergic reaction. This Fasih perfumes is an all natural fragrance, and that is something that is tested and proved, so it's really safe for your skin. And the quality is so high that when you use it, you will not feel that it is a mass perfume. It's really high end, and we're starting with a very well priced product, many products in fact, which will appeal to a lot of masses. So that is something that I feel India required, because we all use expensive brands, and this brand is something that kind of presents that quality, but it's not that costly. And I hope that a lot of college kids and youngsters and even like masses like auto rickshaw drivers and all of them, I want it all to reach out, because they all, finally life is about smelling great. You know, I am somebody who's into fragrance and anything, to a perfume or essential oils or anything like that. I feel everybody should smell great. So what we are trying to do is we're just trying to make India smell nicer. So that is our approach, and we're working on a lot of products, and very soon you'll get to know something that we are trying. Maybe the next 2 months or so, we're trying to launch my own perfume, and I don't want to talk too much about it, because we're still making the perfume, which is really interesting. I keep going to their office. We have a lot of sessions and trials. But very soon I will be sharing with you all my own perfume line, which will be launched by Fasih Industries. Do you all have any questions? आप लोग सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है फॉर फासी एंड मी, तो आप क्वालिटी भी देख लेंगे वो टाइम पे. इट्स दैट स्वीट. लॉन्च करना है ना. So this is love story, soul to soul, and this is only for women, but Fasih perfumes also makes unisex perfumes and for men. So this is only for women, of course. It's mere liye laaye ho. Mic. मैम आपके राइट. सॉरी सर. सर आपने सर.
आपके लाइफ में सर सर यार बहुत अच्छा परफ्यूम बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव लगा क्या कुछ कहना चाहती है कितने एक्साइटेड आप हैं इसे लॉन्च करने आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड मेरा एक्चुअली आप यकीन नहीं करेंगे पर एवर सिंस लकी मैंने कभी एड वर्ल्ड में आई नेवर गॉट इन वर्ल्ड बिकॉज मैं बहुत छोटी थी वट एवर ऑल दैट ड्रामा बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली एसोसिएटेड विद अ ब्रांड एंड 2019 हैज़ बीन वेरी लकी फॉर मी बिकॉज I've become the brand face for Fasih perfumes and the reason it's really special to me kyunki Fasih perfumes Middle East se hai and I'm born and brought up over there so that is this family connection that I had and we've been working on different kinds of perfume scents and a lot of products unisex for men and for women and it's very interesting bahut hi exciting hai ki ek perfume kaise banta hai and because of Fasih perfumes I have learned that and hopefully one day very soon between me and Fasih perfumes we are trying to create my own very perfume which soon we will be launching soon very soon very soon aur wo perfume ka naam bhi main abhi nahi bolungi par aap logo ko sab bahut pasand aayega aur aap sabko wo naam you all already know that name but it's very exciting and I hope ki sirf brand face banna it's bahut hi choti cheez hai but I want to try and improve you know the sales of Fasih perfumes in India I want to try and promote the brand kyunki sirf brand face bolna it's not enough anymore aajkal everything is a it's a family it's a business so I want to treat Fasih perfumes as a family and I want to try and bring it to India in a very big way kyunki Middle East mein already wo log kafi bade hain so I want to try and also launch it really well in India bollywood ke sir aap ko jana chahenge ki strategies kya kya hogi chair aage le sakte hain aap dost ka le sakte hain chair on the way strategies definitely हम लोग बस ये है कि हम लोग जो भी ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं अभी इंडियन मार्केट के हिसाब से कर रहे हैं काफ़ी रिसर्च के बाद कर रहे हैं जो आप अफोर्ड कर सके हर कोई अफोर्ड कर सके उस प्राइस लेवल पे हम लोग ट्राई कोशिश कर रहे हैं कि हाई क्वालिटी हम लोग दे सकें जैसे कि अभी मिडिल ईस्ट में लॉन्च हो गया मिडिल ईस्ट में काफ़ी साल से ऑलरेडी वहाँ का एस्टेब्लिश ब्रांड है तो आप इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो ब्रांड का फीडबैक क्या आएगा वो तो अभी लॉन्च के बाद पता चलेगा फीडबैक क्या आएगा लेकिन हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि जिस तरह की हम लोगों की क्वालिटी है जिस तरह का हम लोगों का ब्रांड है वहाँ पे जिस तरह का हम लोगों का रीच है लोगों तक मोस्टली जो इलाइट कस्टमर है एनराइज है जो भी एशियंस वहाँ रहते हैं वो तो डेफिनेटली हमारे कस्टमर्स हैं ही वहाँ पर अब हम इंडियन मार्केट पर कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम उनके प्राइस लेवल पर हम उनको अच्छे प्रोडक्ट दें स्नेहा किसे देना चाहेंगे किसे गिफ्ट करना चाहेंगे फासी परफ्यूम्स किसी को बॉलीवुड में किसी सी फासी परफ्यूम्स हैज़ अ डिफरेंट रेंज दे हैव रेंज जहाँ पे मासेस के लिए है एंड दे गो रियली हाई एंड जहाँ पे इट्स लाइक 10 ग्राम्स एंड ऑल ऑफ दैट सो वी डोंट राइट नाउ वी व्हाट वी आर लॉन्चिंग इज़ फॉर द मासेस सो आई वांट टू ट्राई एंड टारगेट यू नो कॉलेज मास मार्केट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं यंगस्टर्स को लॉट ऑफ यंगस्टर्स बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव ग्रेट पॉकेट मनी आई वांट फॉर वैलेंटाइंस डे सपोज नाउ वी वांट टू क्रिएट समथिंग वेयर यंग कपल्स कैन गिफ्ट ईच अदर दैट्स व्हाई दिस लव स्टोरी करके परफ्यूम आपको अभी दिखाया सो द प्लान इज टू रीच आउट टू अ लॉट ऑफ एवरेज स्पेंडर्स नॉट वेरी लग्जूरियस स्पेंडर्स ओके स्नेहा जैसे आपने कि बोला कि मतलब आप सिर्फ फेस ब्रांड नहीं बनना चाहती फेस नहीं बनना चाहती तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप पर्सनली कितना यूज़ करती है जब किसी की ब्रांड एम्बेसडर बनती है तो आप पर्सनली पर्सनली वो प्रोडक्ट कितना यूज़ करती है और कितना प्रमोट करती है उसके बारे में सो आई मस्ट से ये आप ये प्रेस ये लॉन्च होने के पहले से ही मैं काफ़ी यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इन्होंने बहुत सारा प्रोडक्ट्स मुझे भेजा है तो आई एम ओनली यूजिंग फासी परफ्यूम्स राइट नाउ एंड आई पर्सनली लव परफ्यूम तो जब मुझे ये ऑफर मिला आई वॉज लाइक आई कांट लेट दिस गो बट एज यू सेड मुझे सिर्फ ये सब नहीं करना है एक्चुअली वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस एंड आई वॉन्ट टू
I seriously feel that everybody should own a bottle of perfume. And that is what Fasih Perfumes is trying to do with launching in India. So my favorite, so the favorite fragrance is Oud for me. And you know, Oud is it's an Arabian scent. And Fasih Perfumes, because it's from the Middle East, it's got an amazing combination of French mixed with Arabian essence. And one of those favorite is Oud. And they are masters at creating Oud. So I have a lot of, like, even, I think they even send me, White Oud, Black Oud. Uska essence, burning, lobanj hota hai, dhoop hota hai. They have a lot of those things. Oud and all this. Yeah, so it's very, that's one of my favorite. So I have a lot of gratitude, man. Plus, this whole mixture of French, which is what we all use today. Arabian perfumes are not really there in India, if you see it. French, hai, but Arabian nahi hai. And this combination, I think, will do really well. Sneha, इस तौर अगर आपके कैरियर की बात करें तो आपकी इतनी बड़ी फिल्म आने के बाद आप कुछ नज़र नहीं आए उसके बाद फिल्मों में काफ़ी बड़ी फिल्म के बाद मुझे नज़र होना भी नहीं था. इट वॉज मैं पढ़ाई कर रही थी और मेरा कभी प्लान कभी था नहीं कि लकी के बाद मैं और एक्टिंग करूँ. सो द प्लान वॉज नेवर टू बी अ एक्ट्रेस एक्ट्रेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो आप क्या प्लान्स हैं? अब बहुत बड़े प्लान्स हैं, आपको बताऊँगी जब नेक्स्ट टाइम आपको इन्वाइट करूँगी. कुछ तो शेयर जैसे कि अभी एक परफ्यूम आपका फेवरेट परफ्यूम का स्मेल क्या है? आर्ट सॉफ्ट? नो, आई डोंट लाइक. सो आई एम थोड़ा मैं टॉमबॉयश टाइप की हूँ, तो मैं वेरी फेमिनिन परफ्यूम्स पसंद नहीं करती हूँ. आई लाइक फासी परफ्यूम बिकॉज गॉट ऊद एंड ऊद इज माई फेवरेट काइंड ऑफ एसेंस. सो वी विल बी ट्राइंग एंड और वी ट्राई एंड यू नो प्रमोट ऊद एज मच एज पॉसिबल. इंडियन मार्केट में बहुत रेयर है वो अभी इतना किसी ब्रांड, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है. एक्सपेंसिव की वजह से जो भी ब्रांड्स यहाँ पे वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो कम प्राइस में आप तक पहुँचाएँ. तो बस हम लोग इसी कोशिश में कि हाई क्वालिटी जो भी होता है वो हम लो प्राइस में यहाँ पे मार्केट में हर एक की रीच तक पहुँचाएँ. सो लास्टली क्या कुछ कहना चाहते हैं क्या अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मिडिल ईस्ट में जो भी हम लोगों के ब्रांड्स हैं सेम अब यहाँ पे आ रहे हैं. देखिए लोग जिस तरह से यूज़ करेंगे, किस तरह से उनको पसंद आता है. सो एज द ब्रांड फेस आई वुड ओनली वांट वन थिंग कि ऑल माय फैंस एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली दे ट्राई आउट फासी परफ्यूम्स, दे बाय द प्रोडक्ट्स, दे स्मेल अमेजिंग. सो यू गाइस विल स्मेल अमेजिंग एंड very soon you will be hearing about my very own perfume and this just smells like love. So I just say, like, I just hope that you guys will we will be sharing on where you need to get these perfumes. It's already on Amazon and all of that. So very soon we'll be telling you, we'll be having a lot of stores in Mumbai as well, hopefully, and you can try and come and buy it. Thank you so much. Thank you. All the best. Yeah, thank you. Thank you, Sneha.